अखबारों में तो सारा वक्त होता ही था, कॉलम्स अखबारों में, फिर आर्टिकल्स वगैरह, ये सब तो सब जो डेली न्यूज़पेपर्स होते थे उनमें मेरे कॉलम्स आते थे हफ्ते के हफ्ते, और आर्टिकल्स आते थे। तो किताब तो नहीं लिखी थी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट काफ़ी मतलब हो गया था नाम, तो इसलिए फिर उनको पता लग गया होगा या जो कुछ भी है कि ये किताब सोच रही हो तो हम छापेंगे इसको। लेकिन उस वक्त मेरे एक और यहाँ दोस्त बन गए पब्लिशर, उन्होंने कहा नहीं 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 तो मुझे दे दो नरेंद्र कुमार, और मैं करता हूँ यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में नहीं उस वक्त तो खैर शिमला और दिल्ली में, दिल्ली में करता हूँ हिंदुस्तान में मतलब। और फिर मैंने, अब देखिए अजब तमाशा है, कोई भी एक फॉरेन पब्लिशर को नहीं छोड़ेगा, लोग तो चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मिल जाए बाहर का पब्लिशर तो बड़ा ये होगा, और ये जनाब बड़ा कह रहे हैं कि नहीं नहीं यही करेंगे, तो बहुत बड़ी तरीके से करूँगा, और किया भी उसने। इंदिरा गांधी की जो पहली एडिशन थी वो इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी और रेवोल्यूशन इन द स्ट्रेंथ,